तवायफ नहीं है, रंडी है, तवायफ नहीं है, रंडी है। एड्स की आप बात कर रही हैं, कैंसर से पीड़ित हैं औरतें। अभी आप लोगों ने ये धंधा अपनाया कि पहले वैसे भी आप भी लोग भी करते थे कि नहीं, निकल नहीं। इंजेक्शन और टैबलेट के दम पर उन्हें जल्दी से ग्रोथ किया जाता है। क्राइम भी हो गया? क्राइम नहीं मैम, इतना पूछिए कि ये लोग बंद कमरे में क्या से क्या हद पार कर रही हैं। हम लोग तो इनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग शांति से यहाँ से चली जाइए। अभी मैं हूँ बसुका गांव में, बसुका गाजीपुर का एक गांव है जो इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहा है यूट्यूब पर, और बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। ये ट्रेंड में किस लिए चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे व्यापार होता है, गांव ही पूरा जो है कि व्यापार में संलिप्त पाया गया है, और उसी मामले में लोग है कि कोई विरोध किया है इसका कि हम लोग नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसमें करें, इसलिए लोग कुछ महिलाएँ हैं कुछ लोग आधा गाँव इसका विरोध कर रहा है, आधा गाँव जो है कि उसके समर्थन में है। तो लोग विरोध जो कर रहे हैं वो महिलाएँ हमारे साथ में है यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करेंगे कि विरोध करने का कारण क्या है और कब से ये चीज़ें शुरू हो रही है। ये गाँव पूरा गाँव ही कर रहा है कि आप लोग भी उसी में थी, आप बाहर निकलना चाहते हो कि एक करने वाला एक अलग? नहीं, ये 10-15 घर हैं, इनकी पीढ़ियां चलती आ रही हैं। अच्छा। इनकी नानी इनकी दादी ये सब करती आ रही हैं, तो इन्हीं से ही शुरुआत है, बाकी पूरा गांव इससे लिप्त नहीं है। ये सारी चीजें कब से हो रही है? ये काफी 6-7 महीने से ज्यादा वीडियो वायरल होने लगा है। अच्छा। जो नहीं जानते थे वो भी इस गांव को फेमस के नाम से जानने लगे हैं, बुराइयों के मामले। अच्छा, ये लोग वीडियो भी बनाती थी? जी हाँ। जी, ये लोग बीए फिल्म बना के दूसरे दूसरे पे भेजती थी, जिससे कि चारों तरफ ये गंदगियां फैल गई, जिससे हमारा गांव बदनाम होने लगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काम ना किया जाए यहाँ पर, और कुछ नहीं, हम लोग तो इनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग शांति से यहाँ से चली जाइए। 10-15 जन है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो जहाँ रेड लाइट एरिया बना है वहाँ जाके अपना कमाए खाएं, अपने बाप भाई को यहाँ छोड़ दें, उनके भी बच्चों का फ्यूचर है, उनके बच्चे भी आराम से जिए खाएं। एक औरत एक मर्द के लिए बनाई गई है, और एक मर्द एक औरत के लिए बनाया गया है। एक औरत 100 मर्दों के लिए नहीं बनाई गई। इस फाइल को जब हमने अपने मुख्यमंत्री साहब के पास भेजा तो जल्दी जल्दबाजी में 1 महीने के अंदर इन्होंने अपनी लाइसेंस बनवा लिया। इससे पहले ये कहां सो रही थी? तो लाइसेंस को देखिए और इनका एनजीओ इनकी संस्था को देखिए कि कहां ये सिखा रही है। 13 साल की उम्र में जिस बच्चे को हार्मोन रिलीज होता है तो अगर सही से नहीं हो पाता तो उसे इंजेक्शन और टैबलेट भी देती हैं ये लोग। हाँ। जी, इंजेक्शन और टैबलेट के दम पर उन्हें जल्दी से ग्रोथ किया जाता है। क्राइम भी हो गया? क्राइम नहीं मैम, इतना पूछिए कि ये लोग बंद कमरे में क्या से क्या हद पार कर रही है। हम इसी गाँव के निवासी है, यही दिन रात रहना है हमको, हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है, हमारी आंखों के सामने जब हमसे देखा नहीं जा रहा है, हमारे गांव वालों से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए इस चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं। एक चीज है कि एड्स टाइप बीमारियां भी होती है, चाहे भी पॉजिटिव टाइप, इस सब को लेकर के बहुत सारी तो मर चुकी हैं। एड्स की आप बात कर रही हैं, कैंसर से पीड़ित हैं औरतें, कैंसर से पीड़ित हैं, यूट्रस कैंसर जिसे बोलते हैं, कई तो घर में अभी निकल नहीं रही है शर्म के मारे, कई जो है यूट्रस कैंसर के अकॉर्डिंग अभी सामने नहीं खुलकर आ पा रही है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? ये बोल रही हूँ कि इसमें जो तवायफ लोग हैं, तवायफ नहीं है रंडी है, तवायफ नहीं है रंडी है, तवायफ हाँ बेसवा है, बेसवा वृत्ति करती हैं। इन लोग के पास बहुत सारे ये सब बीमारियों में मर चुकी हैं, बहुत सारे और बात है, ये जो आकर के यहाँ पे रंगैया जमा रही है उन लोग में बिहार में भी मर्डर करवा दी है। हाँ, मर्डर करवा करके यहाँ पे आकर के छिप जा रही है, यहाँ पे आकर के लुक छिप जा रही है, मर्डर आदमी लोग नहीं, औरतें जो रंडी बेसवा हैं वो मर्डर भी करवा दी हैं, फौजी के लड़कों को मर्डर भी करवाई है बिहार में, और फिर यहाँ पे आके शरण लेती है बचने से। ये काफी पावरफुल जैसे आप लोग बता रही है उस तरह की है, पावरफुल काफी लोग, बिल्कुल हर तरह से पावर है इनके पास, ये हर तरह से पावरफुल है, और कहेंगी कि हम बेरोजगार बैठे हैं, हमारे बच्चों की 4 महीने से फीस जमा नहीं हुई, हम लोग गरीब है, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं, इनके घरों की पहले तहकीकात करिए ना, हमसे अच्छे तो इनके घर मिलेंगे आपको, हम लोग तो गरीब, हम लोग बहुत बिल्कुल गरीब है, इनके घर मिलेंगे, हम लोग मजदूरी करते, कोई डरा बड़े, कोई ठेला चलाता है, कोई दुकान किराना है, क्या कोई रिक्शा चलाता है, यही सब करते हैं, और उन लोग के पास तो जा करके देखिए कितने दौलत से भरी हुई है। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये धंधा अपनाया कि पहले वैसे भी आप भी लोग भी करते थे कि निकल इसमें सब शादी शुदा है। हाँ, बेटी बेटी की शादी, नाती नातिन की शादी, सब शुदा शादी शुदा, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें बेसवा बीती कोई नहीं। मतलब ये है कि पहले के लोग शुरू शुरू में करते रहे हो, अभी चेतना जागी है तो छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं। यहाँ जितनी भी आपको ये सब जितने भी मेरे साथ खड़े
बड़ी हैं, ये सब मैरिड हैं और इनके दादा बाबा कि कोई नाच गाना कैले बा नहीं, चेहरा से दिखाला तब कैसे कह देलू है कि नाच गाना सब ये सब पति का नाम बता रहा है, उसको बोलेंगे तो आप लेकर के हम लोग खड़ा कर देंगे। दादा परदादा, उनके दादा परदादा हमारा सबका बायोडाटा है, हम नस्लें असल हैं, हम लोग जायज हैं, नाजायज नहीं है, और ये लोग जायज होकर भी नाजायज हैं। कुछ इनमें से जायज हैं जिनके बाप हैं, और कुछ तो सात पीढ़ी या माँ से ही चलती आ रही। जैसे कि मैं पिंकी का नाम लेना चाहूंगी, पिंकी की माँ का नाम है मेहरुन्निसा, उनकी माँ का नाम है कमरुन्निसा। आप इनके पिता का नाम पूछिए, पिता का नाम नहीं है। ये कितनी औरतों की बद्दुआ लेती हैं, कितने मर्द तो बाहर से ऐसे आते हैं जो इनके अंडर में इनकी आगोश में पागल हो जाते हैं कि वो अपने घरों को बिगाड़ देते हैं इनके लत के आगे, इनके नशे के आगे अपने बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं, और जो धन जो पैसा बीवी का हक होता है वो लाकर इनकी झोली में डाल देते हैं। कितनों के घर बर्बाद करती हैं ये, आए दिन किसी ना किसी बहन की किसी ना किसी बेटी की बद्दुआ इनको लगती है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता ये बिल्कुल। और कई तो ऐसी हैं, कई तो ऐसे आते हैं इनके मोहब्बत के आगे वो अपनी बीवियों को जलाकर मार देते हैं, कई केस ऐसे आए मैडम। इन्हें बस ये है कि किसी तरह हमें दूसरे का खजाना चाहिए, दूसरे की संपत्ति चाहिए, किसी की रजिस्ट्री है तो वो हमारे नाम हो जाए। चंद दो रात काटती हैं और उसको अपने आकोश में मोहित कर लेती हैं। तो ये इतनी बेहया है, बेहया की सीमा पार है इनके पास। इनके पास आप जाइएगा तो सबसे पहले तो पूछेंगे, आप पूछिए प्रधान जी क्या है, प्रधान जी, अरे प्रधान जी जो भी रहे हो, आज के वर्तमान में प्रधान जी सम्मानित हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा या उनकी बेटी या उनके आने वाले नस्लें इस चीज की आग में झुके। प्रधान जी कहाँ है, कहीं बाहर गए हैं प्रधान जी? किराने की उनकी माँ कहाँ है, उनकी माँ कहाँ है? अच्छा आप उनकी माँ है, बीवी है। अच्छा प्रधान जी की आप वाइफ हैं? ये पिछली पूर्व प्रधान रह चुकी हैं 5 साल पहले। अच्छा, और इस बार इनके पति हुए हैं। अच्छा, ये प्रधान जी के बारे में सुनने आया है कि वो भी एक नाजायज ही थे, उनकी माँ भी थे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जी जी, वो भी एक नाजायज थे इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को। मैं बता रही हूँ, जो सुएब प्रधान जी हैं उनकी माँ तवायफ थी। तो तवायफ देखिए, पहले का जमाना और आज का जमाना में आपको भी पता है कि अश्लीलता बहुत अंतर है। पहले लोग कायदे से फिल्में बनाते थे, कायदे से कोई भी रोजगार करते थे, इज्जत थी, तवायफों की बहुत इज्जत होती थी, लोग तवायफों के पास बनारस के घराने हैं। हाँ, तवायफों के पास लोग बाग अपने बच्चों को तालीम लेने के लिए भेजते थे क्योंकि वो इज्जतदार होती थी। तो ये सब है तवायफ के बच्चे, पर आज वो इस चीज को रोकना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। ये अगर पूछ रही है ना कि प्रधान जी से पूछो कि वो क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, तो मैं कह रही हूँ कि उनके पिता का नाम नहीं है, वो नाजायज है, वो भी एक तवायफ से पैदा हुए हैं, पर हम अब नहीं चाहते कि ये बंद हो। ये जो पूछ रही है, ये जो देख रही है, इस चीज को अच्छे से समझ लो और सोच लो कि ये सवाल जो बार बार उठा रही हो कि प्रधान और प्रधान की बहन क्या करती थी, अब इसे बोलने से पहले 100 बार सोचो। हम मीडिया में खुलकर कह रहे हैं कि वो तवायफ के बेटे थे, पर अब वो नहीं चाहते कि उनकी आने वाली नस्ल इस चीज में जले, इसलिए हम इसे बंद कराना चाहते हैं। हम लोग खुद बहुत नाजायज हैं, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि मेरे नस्ल नाजायज नहीं हो। अच्छा, आप लोग भी नाजायज ही है? नहीं नहीं, जैसे कह रही हैं लोग कह रहे हैं कि वो लोग नाजायज है, तो नाजायज है हम मान लिए कि नाजायज है, लेकिन नाजायज ये आवाज उठा रहा है कि आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के बच्चे भी नाजायज हो। नाजायज हो, सही बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हम गरीब हैं, हमारे हम पढ़े लिखे नहीं, जाहिल जपाटे, तो हम क्या चाहे? एक चीज और है, वो बढ़िया बोल रही है कि ये ना छोड़ने के पीछे वजह क्या होगी इन लोगों की? देखिए, ना छोड़ने के पीछे वजह तो यही मुझे नजर आ रही है, और जो है मेहनत अब इनसे होगी नहीं, क्योंकि इनके भाई जो है, क्योंकि ऐसा है कि इतना विरोध हो रहा है, समाज और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपने 13 साल की बच्ची को उसमें धकेल देना एक बहुत ही हार्टलेस वाला काम है। इसके पास हार्ट दिल ही ना हो अपने बच्चों को इसमें भेजना, तो कहीं कहीं इनके पास कुछ तो वजह होगी कि इसको। देखिए, वजह मैं कह तो रही हूँ, ये मेहनत करके कम पैसा नहीं कमाना चाहती हैं, ज्यादा मेहनत और कम पैसा इन्हें गवारा नहीं, इन्हें कम मेहनत और ज्यादा पैसा गवारा है। तो ये बताइए कि मटन कैसे खाएंगी? मटन का कीमत 700-800 रुपए किलो है, तो वो मटन मजदूर इंसान तो खाएगा, पर बहुत सोच समझ के खाएगा। और ये अगर एक रात किसी कस्टमर को रोक लेती है तो 50-60 हजार रुपए इन्हें रातों रात के मिल जाएंगे। तो ये बताइए कि ये वो 60 हजार देखना पसंद करेंगी या
₹800 जो मटन के मिलते हैं वो देखना पसंद करेंगी। तो इसीलिए ये इन्हें लत लग चुकी है, ये उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अभी कितने, ये जो 4 महीने से हम लोगों ने इस पर विरोध किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मैडम कि 4 से 5 लड़कियां जो इस लाइन में फिर से निकलने वाली थी, कहीं ना कहीं हमें दुआ दे रही होंगी, हाँ वो बच चुकी हैं। अभी वो पेंडिंग में है, अभी उन पे विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, वरना ये 4 से 5 लड़कियां अब तक निकल चुकी होती, प्रोस्टिट्यूशन में इन्हें ढकेला जा चुका होता। और मैं यही कहूंगी कि ये इतनी बच्चलन है कि इन्हें ये नहीं पता कि औरत जात जो होती है उसकी अहम सीमा कहाँ तक होती है, उसकी कितनी भी बच्चलन होगी तो वो पता थोड़ी होगा। वैसे नहीं, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, किसी भी औरत को अपनी आत्मा को लांगना नकारा जो है गवारा नहीं होगा, पर ये इस सीमा तक जा चुकी हैं कि इन्हें ये पता नहीं कि यही वीडियो हमारा बाप भी देखेगा, यही वीडियो हमारा बेटा भी देखेगा, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्हें चंद पैसे कमाने। जो विरोध की मेन वजह है वो वीडियो बनाकर वायरल करना है। जी जी, वीडियो वायरल कर रही हैं अश्लीलता। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनके जो बाहर से लोग आते हैं उनसे गांव बड़ा परेशान है। ये शादी ब्याह में, अच्छा आप अपने घर से बेटा बेटी की रिश्ते बाहर लेकर जा रही हैं तो आप कहेंगी कि फला गांव से हम आए हैं, तो हमें भैया शादी नहीं करनी है, आपका गांव बहुत बदनाम है, हम बारात लेकर आएंगे तो हमारे सारे हितगण जो है, हमारे कुंभे वाले, हमारे बारात में कोई नहीं आएगा, क्योंकि बसुका से बहुत से गांव घृणा करते हैं, जिसे कहते हैं कि नफरत ही नजर से ताका जाता है। तो ये बसुका बदनाम नहीं है, यहाँ हर कौम के आपको लोग मिलेंगे, पर ये वैश्या जो कर रही हैं, वैश्यावृत्ति जो कर रही हैं, जो धंधा कर रही हैं, जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, और पर्दे पर और मीडिया के सामने इतनी सुशील और संस्कारी बन जा रही हैं कि इनके पास हर अदायगी और हर कलाकारी है, झूठ बोलने का तरीका है, कितने इंसानों से ये पार हो चुकी हैं, और आए दिन फोन पर जो है इसी ढोंग से ये पैसा कमाती हैं, ये इसी ढोंग से पैसा कमाती हैं। तो इन्हें आप मत, इनकी आप सीमा नहीं बता सकती, इनका समुंदर जो है आप नाप नहीं सकती। और ये और रह गई बात, पूरे समाज को इस चीज से ऐतराज है, हमें भी हक है अपने बच्चों को खुलकर पढ़ाने का और लिखाने का और बाहर बाजार में भेजने का। क्या हमारी बच्ची डर के मारे बाहर नहीं निकलेगी? अच्छा, क्या हमारे बच्चा पढ़ेगा नहीं? रास्ते में मैं आ रही थी तो मुझे एक सवाल नजर आ रहा था, क्योंकि सीरियल में फिल्मों में दिखाते हैं कि जो लड़की गलती से वहां पहुंच जाती है उसको जबरदस्ती कब्जे में लग लेती है, निकलने नहीं देती है, बिल्कुल। अरे खरीद के लाती है बाहर से भी खरीद के, जो अनाथ है बच्चे, जिनके माता पिता अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, बच्चे को अपनाने से नकारते हैं, तो उन बच्चों को ये पैसे से खरीद कर लाती हैं। अरे तुम अगर ला रही हो तो खुद तो बुराई कर ही रही हो, हाँ तुम तो बुराई कर ही रही हो, पर उस बच्चे की अगर तुम जिंदगी बचाकर अपने पास ला रही हो तो कम से कम उसकी दुआ तो लो, उसे शादी तो कराओ, पर उसे भी ये जो है वैश्यावृत्ति में, हाँ उसे भी कमवाती है। और हम यही चाहते हैं, ये मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रधान जी को बदनाम कर रही हैं, तो प्रधान जी की दो ही बहन है, दोनों बहन शादीशुदी हैं, उनकी कोई बहन धंधा वाली नहीं है। और एक बात और है कि इन लोग कह रहे हैं खुल गया, तो एक बात हम कह रहे हैं कि यहाँ नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वकील मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, सब व्यक्ति जितने 80% आदमी हमारे साथ है, वकील धंधा खुलने नहीं देंगे, वैश्यावृत्ति बसुका के अंदर होने नहीं देंगे, बाहर जाएं, बाहर के लिए हमें नहीं रोक है, उन लोग के लिए बाहर जाएं, बाहर वाले जो बाहर वाले आ रहे हैं उन लोग को भी दौड़ा कर हम लोग मारें। सबसे बड़ी कमी देखिए, इनके घर में जो इनके भाई हैं और इनकी जो जो पति हैं या इनके जो पिता हैं, कह रहे हैं कि हमें जो है नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो लोग जो है सम्मानित लोग हैं, वो सामने नहीं आएंगे, तो कोई भी इंसान नहीं सामने आएगा, क्यों आएगा सामने? जो तुम धंधा कर रही हो, तुम जैसी को कौन अपनाने की कोशिश करेगा? एक रात के लिए तुम 10 से 20-50 हजार रुपए ले रही हो और सोचोगे कि उसी का बच्चा उसके मत्थे थोप दोगी, तो ऐसा कोई नहीं स्वीकारेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा कोई क्रेडिट ही नहीं है ना कि तुम कितनों को बुला रही हो, कितनों से कमा रही हो। और रही बात, ये एक मुद्दा है, इनके भाइयों को बुलाइए मीडिया में, इनके बापों को बुलाइए और इनसे पूछिए कि ये बताइए कि आप कहां से अपाहिज हैं, आप कहां से अपंग हैं, क्या आप अपने बच्ची को कमाकर खिला नहीं सकते, क्या आप अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकते, आपका बेटा कमा नहीं सकता? ये इतने गिरे हुए हैं, इनकी कमी सारे इनके घर के गार्जियन में है। अगर वो आज टाइट हो जाएं और वो अगर ये आज मेहनत करने पर जो है फक्र करें और आगे बढ़ें, तैयार हो जाएं, तो ये अभी के अभी वैश्यावृत्ति का धंधा छोड़ देंगी। पर उन्हें तो मटन चाहिए ना, वो तो बैठे बिठाए
मटन खा रहे हैं, वो क्यों छोड़ेंगे और क्यों छुड़वाएंगे? वो खुद गाड़ी पर ले जाकर कस्टमरों को डील कराते हैं भाई, वो खुद रात को गाड़ी लेकर के दलाली करते हैं कि दीदी दीदी अपी फला आदमी आए हैं 50,000 रुपए लेकर के, तो छोड़ना ऐसे मत छोड़ना। जैसे कि मुर्गे को पकड़ कर लाया जाता है और छुरी को तेज किया जाता है, उसी तरह ये बैठी होती है छुरी से वार करने के लिए, कुर्सी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, बिंदी लगाकर और बिन बियाही सिंदूर भी लगाती हैं ये। तो ये इनसे पूछिए कि तुम सारी सीमा तो लांग चुकी हो, अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम किसी से नहीं जीत पाओगी, क्योंकि हमेशा अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और इंशाल्लाह अच्छाई की ही जीत होगी। बिल्कुल 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 होगी जीत। और ये चीज अगर आप लोग बढ़िया से, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, अगर इस तरह से आप लोग लड़ती रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को न्याय मिलेगा। और अगर चाहती हैं कि यहाँ से खत्म हो जाए, कोई रेड लाइट एरिया में जाकर के अपना धंधा चालू करे, तो ये भी हो जाएगा, भगवान करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, बहुत ही बढ़िया बातचीत रही। इस दीदी ने बताया, समस्याएं बताई, उसका दुष्परिणाम भी बताया और बच्चों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका भी उन्होंने बताया। हमने जाकर के बात करी तो किसी ने कहा कि यहाँ पे संविधान हमको हक देता है। हक क्यों देता है? इन्होंने इस पर भी बात करी कि अगर हक देता है तो आप जाकर के हक का सर्टिफिकेट लाइए और उस एरिया में जाकर करिए, क्योंकि ये गांव है, गांव में नहीं होता है, शहरों में इस तरह की चीजें होती है और इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, इसमें सभी लोग रह रहे हैं, इसमें भारद्वाज भी हैं, मुस्लिम भी हैं और कई जातियां इसमें रहती हैं। राय साहब लोग सब कई जातियां इसमें रहती हैं, तो इन सारे लोगों को ये कितना गलत प्रभाव पड़ेगा शादी ब्याह से लेकर के बहुत सारी चीजें। देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, ये लोग कहती है कि हमारा विरोध प्रधान और प्रधान के जो लोग हैं, टट्टू जी ने बता रही हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर तुम सही हो तो गांव के किसी भी एरिया से किसी भी एक इंसान को खड़ा कर दो और ये मीडिया के सामने कहलवा दो कि वो तुम्हारे हक में बोलेगा और तुम्हारे साथ वो खड़ा है। पूरे गांव के जितनी आबादी है, 20,000 आबादी है, 20,000 में इन लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग इनका विरोध कर रहे हैं, बाकी सब लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है, हर किसी को देखने लायक है, इसका विरोध करने लायक है। आप लोग शेयर जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।